हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर में मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप जब भी वाल्मीकि नगर आए तो इस जगह पे जरूर देखें, इस जगह को जरूर घूमें। अभी हम लोग आए हैं, एक नदी है, आप देख सकते हैं नदी। हाँ, आप देख रहे हैं नेपाल। तो हम लोग नेपाल भी जाने वाले हैं और नेपाल में भी आपको दिखाएंगे कुछ जगह को, तो आप लोग बने रहे हैं। और मैं 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ, तो यहाँ का हर एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो आप लोग आजकल लगातार मेरे चैनल पे एक्टिव हो जाइए और फिर चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है गिरि दर्शन जो वाल्मीकि नगर में स्थित है। और ये बोर्ड दिखाइए थोड़ा। 9 बजे से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे एक गोल घर बना हुआ है जिसमें सीढ़ी से ऊपर हम जा सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ से भी काफी खूबसूरत नजारा है। देखिए, ये 10-10 रुपए का एक टिकट लगता है, एक आदमी के लिए 10 रुपए का टिकट लगता है। और 10 रुपए का टिकट लेके आप इसमें जा सकते हैं। तो हम दोनों, मम्मी और बेटा, 10-10 रुपए का टिकट ले चुके हैं और हम लोग अब जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ देखते रहिए, इसका ये दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत हवा है, यहाँ इतना गर्मी है बाहर में, लेकिन यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर से इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। इसके ऊपर भी एक सीढ़ी है, एक फ्लोर है जहाँ हम जा सकते हैं। और वहां से भी दिखाएंगे कि सबसे ऊपर से कैसा लग रहा है। मानस एक बार दिखाइए कितना खूबसूरत, मन कर रहा है कि हम यहीं पे ठहर जाए और यहाँ से जाने का नाम ले। तो चलिए, यहाँ एक दूरबीन रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, मेरा बेटा है दूरबीन में देख रहा है। और दूरबीन से हम नेपाल को देख सकते हैं। दूरबीन से हम लोग नेपाल को देख सकते हैं और दूर की चीजें पास में करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिना टिकट कटाए घर बैठे अपने रूम में आप वाल्मीकि नगर का दर्शन तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी हो तो आप लोग मेरा पल्लवी चौबे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर आपको एक अच्छी अच्छी जगह है, क्योंकि घूमना मेरा शौक है और मैं बहुत जगह घूमते रहती हूँ पूरी फैमिली के साथ। यहाँ देखिए नीचे कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं यहाँ, क्योंकि नदी के किनारे बैठना और पिकनिक मनाना, खाना पीना, डांस करना, लगभग रोज शाम को ये जगह फुल हो जाता है और लोग यहाँ आते हैं। अभी तो धूप है जिसकी वजह से यहाँ पे संख्या थोड़ा कम दिख रही है। और ये भैया है, अभी ये दूरबीन से हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो भैया आके हेल्प भी कर रहे हैं हम लोग को देखने में कि कैसे सेट करेंगे कि हमें और अच्छी तरह से नेपाल हम देख सके और आसपास की चीजों को और अच्छी तरह से देख सके। ठीक है, देखो तो बेटा आप दिख रहे हैं क्या? हिलाना नहीं, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैमरे से भी। दिख रहा है और देखिए यहाँ पे बोटिंग भी है, शाम में शाम को हम लोग बोटिंग के लिए आएंगे। यहाँ पे बोट रखा हुआ है, त्रिवेणी धाम है,
अच्छा यहाँ से दिख जाता है त्रिवेणी धाम। देखो ना। देखिए मौसी भी आ गई, मेरी छोटी बहन है ये भी आ गई। अब ऊपर जिसमें बंदर मेरा टिफिन लेके चला गया है पेड़ के ऊपर, आप लोग ध्यान से देखिए। और मेरा टिफिन में हलवा रखा हुआ था, गाड़ी से गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, और गाड़ी में पीछे का गेट खुला हुआ था, जिसकी वजह से कूद के बंदर यहाँ पे मेरा टिफिन लेके चला गया है। और वो पूरी खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे खुलने वाला है नहीं, तो देखिए और ऊपर लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से सूरज कितना खूबसूरत दिख रहा है, और पहाड़, और पहाड़ों के बीच मेरी बेटी जो कितनी खूबसूरत दिख रही है। परी, काले काले पहाड़ और काली काली परी, दोनों मैचिंग मैचिंग है। इतनी बेइज्जती। नहीं, बेइज्जती नहीं, इज्जत है ये। और हमारे साथ एक बहुत ही बड़े गायक भी हैं, और ये कवि कवि भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये शेरो शायरी गाते हैं। आपका नाम? गजल विजय गुरदासपुरी, उस्ताद विजय गुरदासपुरी के नाम से लोग जानते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग इनको सर्च करके इनके कविता को, गजल को आप लोग सुन भी सकते हैं। और ये है तरुण बिहारी जी, इनसे तो आप लोग परिचित ही हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है तरुण बिहारी के नाम से, आप लोग उसको देख सकते हैं। दोनों अच्छे गायक हैं, संगीत, भजन, कीर्तन, गजल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।